हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। और हाँ गाइस, पसंद आए अगर आप मेरा ब्लॉग तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करना, एंड तक बने रहिएगा। तो इधर देखो, आई भी नोटी हरकतें चल रही है। और अभी ये ब्लॉग मैंने सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट कर दिया है आज, क्योंकि आई जग गया है और उसको भूख लग रही थी। और सुबह सुबह तो देखो मस्ती चल रही है अभी आयु की। गुड मॉर्निंग बोल दो। हाय। अच्छा, फिर इतना सा दूध और पी लो, थोड़ा सा नहीं पीना। ओके गाइस, तो आई फिर से गुड नाइट बोल रहा है, वो फिर से सोना है और सोना है। नींद आ रही? गुड नाइट बोलो। थैंक यू। अपना अपना मुँह साफ कर लो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोना है? चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। हाउ? गुड नाइट में हाउ? सोना है? चलो सोनो। चलो लाइट ऑफ कर दे। ऐसे ही लाइट ऑफ करके नींद आती है। गाइज, मेरे को आज ना काम करना है, मतलब अपनी कॉपी किताब उठा के दूसरी जगह पर रखना है। उसके बाद जो हमारा बेडरूम है उसको भी सही रखना है, बेडरूम पूरा सही करेंगे, मैच शीट भी चाहिए। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, तो नहा धो करके वो किचन में बन रहा है मेरा गाजर का हलवा। तो किस किस को पसंद है गाजर का हलवा कमेंट करके बताओ, और अगर पसंद है तो खाने भी आ सकते हो। तो देखिए इधर बन रहा है मेरा हलवा, और नहा धो करके मैं आ चुकी हूँ। और सुबह के बाद अभी मैंने फिर से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया था। और इधर देखो इलायची छिलने को मैं कूट रही हूँ, मतलब इसके लिए गाजर के हलवे में डालने के लिए। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में बताना, और पसंद आए अगर मेरा गाजर का हलवा तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं नहा धो करके आ गई थी, और मैंने बाल आज वॉश किए थे तो बाल मेरे गीले हैं, इसीलिए मैंने खुले छोड़ दिए इनको ताकि सूख जाए। और इधर पीयूष ब्लॉग मेरा शूट कर रही है खिड़की में से, तो मैं हंस रही थी कि तुम खिड़की में से कैसे शूट कर रही हो, बट उसने कर दिया था। और इधर मेरा गाजर का हलवा लगभग बनने ही वाला है, तो इधर मैं डाल रही हूँ इसमें खोआ, और एंड में ही डाल रही हूँ खोआ ताकि अच्छा, बाद में खोआ डालने से सही रहता है। तो इधर देखिए मेरा हलवा बन करके हो गया है रेडी। तो देखिए किस तरीके से बना है मेरा गाजर का हलवा। तो इधर मैं आलू भी बॉईल कर रही हूँ, और भी मुझे कुछ बनाना है क्योंकि बच्चे हैं यार, और पीयू को तो पता नहीं ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है, गाजर का हलवा नहीं खाती है। तो उसके लिए कुछ और बनाते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं आलू को रखूँगी इधर, दूसरा गैस चला रही थी मैं, बट मैं बड़े गैस चूल्हे पर रख देती हूँ ताकि जल्दी से हो जाएंगे आलू मेरे। तो इधर मैंने हलवा कुछ निकाल लिया था आई के लिए कटोरी में, क्योंकि उसको हलवा खाना है, वो बहुत देर से मुझसे कह रहा है, बट बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा। गर्मा गर्म टेस्टी सा हलवा, सो यम्मी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, कैसा बना है टेस्ट करके बताइए, और हम खा के टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। तो ये स्पेशल भी यही खाएंगे अभी। और इधर मैं आ गई फिर से शाम के समय किचन में, और गाजर का हलवा मैंने दिन में ही बना लिया था तो उसको ढक करके मैंने रख भी दिया था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और काट रही हूँ हरी मिर्ची है, और हरी मिर्ची इस तरीके की काट लेती हूँ क्योंकि बहुत तीखी होती है यार, कभी कभी तीखी आ जाती है, कभी तो सही आती है। और अब मेरा गला भी ख़राब हो रहा है तो इधर दाने को सेक लेते हैं मूँगफली के जो रहते हैं उनको, और आलू भी मैं छिल रही हूँ। इधर आलू मेरे हो गए थे बॉयल, तो आज बनने वाला है साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि पीयू को बहुत पसंद है और वो गाजर का हलवा नहीं खाती है गाय, ज़्यादा उसको तो पसंद ही नहीं है ज़्यादा, क्या वो खाती ही नहीं है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, उसके साथ में हमारा ही भला हो जाएगा, हम लोग भी खा लेंगे खिचड़ी को। तो इधर मैंने जीरा डाल दिया है, और
और मैं अपना हलवा निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई तो मैं इसी में से शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा जगह भी कढ़ाई को वैसे भी साफ करना पड़ेगी, सब्जी वगैरह बनाना रहती है। तो मैंने बर्तन में निकाल दिया है इसको। और जब मेरा जीरा गर्म हो गया, जीरा भी चटक गया था, तो हरी मिर्ची और आलू डाल दिए मैंने इसमें। उसके बाद डाल देंगे इसमें नमक, और नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे मूँगफली के दाने जो कि मैंने साफ करके रख दिए थे उनको, तो इन सभी को डाल देंगे अच्छे से और मिला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे साबुदाने, तो साबुदाने भी मैंने डाल दिए हैं इसमें भी। और आप चाहो तो इसको स्टीम दे के भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, बट अभी मैं स्टीम नहीं दे रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि पीयू को खाना है जल्दी से, क्योंकि हो रही है लेट।